जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एडजी और ये आपके सामने जो पीडीएफ फॉर्मेट में है ये है लोक प्रशासन 2017 का मेंस का क्वेश्चन पेपर। आप सभी को पता है हमने जो लोक प्रशासन की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, कुछ वेबसाइट पर और कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा आप बुक्स वगैरह जो हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, उसके लिए आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए देखिए आरएएस के अंदर भी काम करेगा। आरएएस का जो क्वेश्चन पेपर का कुछ हिस्सा जो है जी है वो जीएस का ही, लेकिन कुछ पोर्शन जो है आता है यूपीएससी के लिए, तो ये है ही है। और यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, 17 मार्च को मेंस है, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद ये रहेगा। तो यूपीएससी की दृष्टि से हम चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसका क्वेश्चन पेपर। और मैंने कल आपको बताया था कि आप सिलेबस जो है देख लीजिएगा उसका। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा पुराना वीडियो एंड में स्क्रीन पर आ जाएगा, देखकर वहां से जो है सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा लोक प्रशासन का, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसमें केवल और केवल अभी केवल जो है क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन केवल बताऊँगा आपको, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, आप वीडियो बना के ही डायरेक्ट बता दिया करिए। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जिन्हें नहीं सुनना है वो चले जाइए upsc11.com पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट आप वहां से इस क्वेश्चन पेपर को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो लोग सुनना चाहते हैं सुनते रहिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है सेक्शन ए और बी में बटा रहता है पूरा का पूरा जो पेपर होता है, जिसमें सेक्शन ए और बी में से आपको 2-2 क्वेश्चन करना अनिवार्य है और टोटल मिला के 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। और सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन और एक जो क्वेश्चन होता है वो किसी भी भाग से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है पहले सेक्शन के जो हैं 150 शब्दों में लिखना होता है और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इनको हल करने की जो मैंने बनाया है पूरा का पूरा PDF वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, अपने प्रकाशन के 130 वर्ष के पश्चात भी वुड्रो विल्सन का लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आज भी अपनी उच्च प्रासंगिकता लिए हुए है, टिप्पणी कीजिए। तो हमें सबसे पहले देखना होगा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने क्या दिया है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे उस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और वुड्रो विल्सन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि लोक प्रशासन के क्षेत्र में इनको एक तरह से क्रांति जो लेके आता है वो व्यक्ति माना जाता है वुड्रो विल्सन। ठीक है, तो ये कोई जिनका जो एक तरह से नए लोग हैं वो नाम सुनिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सिलेबस में आपको मिल जाते हैं वुड्रो विल्सन। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, प्रशासन की क्लासिकी तथा मानवीय संबंधों की विचार पद्धतियों की विशिष्टता दोनों की पारस्परिक पूरकता है। ठीक है, तो ये क्लासिकी जो एक उपागम होते हैं, क्लासिकी और मानव संबंध, तो उनके बारे में ये क्वेश्चन है, डिटेल में हम बात करेंगे, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधता विभिन्नताओं मतों एवं हितों में विभिन्नताओं का प्रकटीकरण है। ये मेरी पार्कर फॉलेट की एक टिप्पणी है। ठीक है, तो इस पर आपको टिप्पणी करनी है। ये तो उनका एक मान लीजिए वक्तव्य है ये, लेकिन हमें जो है टिप्पणी करनी है। तो मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो सिलेबस में ये मैरी पार्कर फॉलेट अलग से दी गई हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, नेता सही कार्य करते हैं, प्रबंधक उन्हें सही ढंग से करते हैं। ठीक है, तो ये वारेन बेनिस का जो है वक्तव्य है, क्या उसके द्वारा यह विभेद तर्कसंगत है, स्पष्ट कीजिए। तो इनके तर्कसंगतता एक तरह से बतानी है इसमें। ठीक है, ये सब आपको सिलेबस में मिल जाएंगे और धीरे धीरे हम इनके बारे में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बात करेंगे। प्रशासनिक विधि की पहचान उसके स्वरूप के बजाय उसकी विषय सामग्री से की जाती है, चर्चा कीजिए। प्रशासनिक विधि का भी आपको टॉपिक मिल जाता है डायरेक्टली, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये तो हुआ क्वेश्चन एक, यानी एक का हमने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी पहला क्वेश्चन करना तो अनिवार्य है ही है। ठीक है, पहला और पांचवा अनिवार्य होता है। जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए का पहला अनिवार्य होता है और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता है। ठीक है, अब आ गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें तीन क्वेश्चन होते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन के अंदर सब जो क्वेश्चन होते हैं तीन होते हैं, तो तीनों के तीनों जब आप करेंगे तब जाके एक पूरा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, जो नए लोग हैं। ठीक है, जो देते रहते हैं उन्हें तो सब पता है, लेकिन जो तैयारी एक तरह से ये मान के चलिए कि कहीं कोचिंग नहीं गए हैं, उन्हें नहीं पता है किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो उनसे संबंधित भी हम वीडियो को बिल्कुल बेसिक रखेंगे। ठीक है, तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, कतिपय विद्वानों ने नवलोक प्रबंधन को नव टेलरवाद की संज्ञा दी है। देखिए टेलरवाद क्या है, ये टेलर हैं, एक क्या कहें इन्हें, विचारक हैं जिन्होंने काफ़ी सारे जो हैं लोक प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया है। ठीक है, तो उसी को नव टेलरवाद की संज्ञा दे दी है। इसे हम पढ़ते हैं, ये आपका सिलेबस में भी दिया गया है। क्या यह एक उचित तुलना है? नवलोक प्रबंधन के जन्म के बाद इतने कम समय में इसका पतन किन कारकों के कारण हुए हैं? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना है, हम इसे देखेंगे। दूसरे का बी, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता सोपान और फ्रेडरिक हर्जबर्ग की द्विकारक थ्योरी के बीच मानवीय अभिप्रेरण के विश्लेषण में समानताएं हैं। ठीक है, तो टिप्पणी करनी हमें इसकी, तो इसके में दो चीज़ें पता होना चाहिए, अब्राहम मैस्लो के बारे में पता होना चाहिए और इनकी जो आवश्यकता जो सोपान है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉरवर्ड में बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। बिल्कुल क्वेश्चन मुझे काफ़ी समय लगा, जो मेन जो क्वेश्चन आते हैं उनके आधार पर आपके लिए क्वेश्चन आंसर फॉरवर्ड बनाने में। और फ्रेडरिक हर्जबर्ग का जो है द्विकारक थ्योरी है, और तो दो थ्योरी हैं इनकी, तो वो भी देखेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रही होंगी ये क्या है कैसे, जब आप पढ़ लेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम को देखने की कोशिश करेंगे। और ये मान के चलिए जो मैंने आपको पीडीएफ जो बनाई है वो एक तरह से सभी पूरे सिलेबस का एक तरह से निचोड़ मान लीजिए, पूरे सिलेबस को कवर कर लेती है अपने आप में। ठीक है, जो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, सिविल समाज राज्य के पूरक एवं अनुपूरक होते हैं, फिर भी उसकी क्षमता एवं भूमिका राज्य की इच्छा पर निर्भर करती है। टिप्पणी कीजिए। ये बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन है, इसे आप कॉमन सेंस के आधार पर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी अगर सिविल समाज यानी कि जो हमारी सिविल सोसाइटी होती हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यानी सभ्य समाज जो होता है, सिविल सोसाइटी जिसे बोल देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुना ही होगा, एक तरह से सिविल सोसाइटी के ही वो एक तरह से पार्ट थे उस समय, जिस समय आंदोलन हो रहा था। तो ऐसे करके हम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तीसरे का पहला है आर्गिरस, ये आपका डायरेक्ट जो विचारक हैं ये। ठीक है, लोक प्रशासन के अंदर आर्गिरस, तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े नाम मिलेंगे कठिन से, ये सब हम देखेंगे एक एक करके, क्वेश्चन आंसर फॉरवर्ड में भी देखेंगे और डायरेक्टली मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा भी थोड़ा सा। ठीक है, तो तीसरे का पहला है आर्गिरस तथा लिकर्ट की सहभागी प्रबंधन की विचार पद्धति प्रशासनिक तंत्र के भीतर लोकतंत्र के पक्ष में तर्क करती है। क्या यह उपागम विकास समान लोकतंत्रों के साथ विकासशील देशों के लिए भी बराबर का उपयोगी होगा? तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन दोनों की एक तरह से इसमें तुलना करी गई है, इनके क्या है, तो ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। ये केवल क्वेश्चन हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है अब। ठीक है, आने वाले समय में, क्योंकि 2016 और 17 में जो क्वेश्चन पेपर आया है वो थोड़ा सिंपल हुआ है पेपर, उससे पहले जो काफ़ी टफ आता था। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, 2015 में जब मैंने दिया था तो काफ़ी टफ रहता है क्वेश्चन पेपर, थोड़ा पढ़ना भी समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 16 और 17 में जो क्वेश्चन पेपर आया है वो बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो वाकई हाँ चलिए अब आप लोक प्रशासन जो है ले सकते हैं, इस प्रकार से चीज़ें बदलाव हुई हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, कार्यकारी पदों का निहितार्थ एक जटिल नैतिकता होता है और उनके लिए उत्तरदायित्व की एक उच्च क्षमता की आवश्यकता होती है। ये चेस्टर आई बर्नार्ड हैं, ये भी विचारक हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे, तो उनकी जो टिप्पणियाँ होंगी उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर जो है आपको खुद की टिप्पणी लिखनी होगी, और इस प्रकार के जो शब्द आप दिखाई दे रहे होंगे, टिप्पणी कीजिए और बहुत सारी चीज़ें होंगे, विश्लेषण कीजिए, इस प्रकार के शब्द हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। जिससे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये कीवर्ड होते हैं, टिप्पणी कीजिए यानी कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जब मीडिया ही निहित स्वार्थों के द्वारा नियंत्रित हो तो वह सरकार के भीतर निहित स्वार्थों पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकता है। मीडिया और अधिक उत्तरदायी तथा निष्पक्ष किस प्रकार बन सकता है। तो ये डायरेक्टली व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कुछ भी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीडिया और सरकार पर जो नियंत्रण होता है, जो आप सभी को पता है एक तरह से मीडिया क्या होती है। मीडिया एक्चुअल में सरकार की आँखें और कान भी होती है और आँख भी होती है, ठीक है, यानी कि आईना होती है क्या कहा जाए तो। जो भी सरकार में जो काम हो रहे हैं वो कौन दिखाती है, मीडिया के जरिए ही तो हम लोगों को पता पड़ते हैं, आम जनता को। तो वो किस प्रकार से नियंत्रण रख सकती है, ठीक है। तो इसमें अंतर्द्वंद जो है बताया गया है। तो कोशिश करेंगे हम अच्छे से कवर करने की, इन चीज़ों को डायरेक्टली नहीं करेंगे, लेकिन आप जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उनसे ये सारी चीज़ें जो है अपने आप डेवलप होने लग जाती हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन लिख सकते हैं ऑटोमेटिक। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का पहला, लोक प्रशासन के अनुप्रयुक्त जगत में हुए प्रत्येक मुख्य रूपांतरण के साथ ही लोक प्रशासन के अध्ययन की परिधि तथा गहनता में समृद्धि हुई है। तो लोक प्रशासन के विषय के विकास और लोक प्रशासन के व्यवसाय के बीच संबंध पर चर्चा की जाए। इसमें जो लास्ट में जो कही गई है लाइन, उससे रिलेटिव होना चाहिए। लोक प्रशासन के जो विषय में जो विकास हुआ है और व्यवसाय के रूप में किस प्रकार से ये परिवर्तित हुआ है, उस पर आपको चर्चा करनी है, और ये जो कथन दिया गया है इसकी पुष्टि के साथ ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी डेवलपमेंट ऑफ लोक प्रशासन का जब चैप्टर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसी का, तंत्र सिद्धांत, तत्वतः एक थ्योरी नहीं है किंतु प्रशासनिक संवृत्तियों के अध्ययन का एक उपागम है। टिप्पणी कीजिए। देखिए आपको ये कुछ शब्द नज़र आ रहे होंगे, उपागम और संवृत्तियाँ, ये सब पब्लिक एड में थोड़ी सी आम चीज़ें हैं। जब हम डेली बात करेंगे तो इन सब का मतलब आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यायोजन विधान का सिद्धांत। देखिए अब जैसा ये क्वेश्चन आया प्रत्यायोजन, तो प्रत्यायोजन होता क्या है, तो इन चीज़ों को सबको आपको क्लियर कर दी जाएंगी जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरे विचार में उचित है किंतु मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि संसद के लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह सभी अवस्थाओं पर तर्कतापूर्ण एवं उत्साहपूर्ण निगरानी बनाए रखें। ये है हर्बर्ट मॉरिसन का ये कथन है, इस पर आपको विश्लेषण करना है इसका, यानी जो कथन दिया गया है उसको भी बढ़ा देना है, आपको विश्लेषण कर देना है, ठीक है। तो देखेंगे हम प्रत्यायोजन क्या होता है और किस प्रकार से संसद के लिए उन्होंने उपयुक्त बताया था, सारी चीज़ें कवर करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया भाग बी। भाग बी में पांचवा क्वेश्चन जो अनिवार्य होता है, सेम एक जो भाग ए था उसका जो पहला क्वेश्चन था उसी के अनुसार 150 शब्दों में ये लिखना होता है। और मैं आपको बता दूँ इसमें तो आपको पहले और पांचवें क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया हुआ है कि 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, जैसे छठवा जो 6 के ये कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, लेकिन इनके बारे में नहीं दिया गया है कितने शब्दों में लिखना है। तो ये मान के चलिए नॉर्मली आपको 250 शब्दों के अंदर ये कवर कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। 250 शब्द यानी ढाई, यानी कि कितना हो गया ये 500, 750 में पूरा क्वेश्चन पेपर जो पूरा जो क्वेश्चन है छठवा वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला, पांचवे का पहला, बजटन एक राजनीतिक प्रक्रम है। ये किसने कहा है, एरन विल्डास्की ने, ठीक है। तो परीक्षण करना है, तो क्या वाकई में हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा कि बजटन जो है, तो बजटिंग की जो प्रक्रिया होती है, आप सभी को पता है बजट जारी करती है सरकार अपने खर्चे आय व्यय से रिलेटिव। तो एक सरकारी प्रक्रम है ये, तो किस प्रकार से सरकारी है उसको बता देना है नॉर्मली, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो कहा है वही आपको देना है, आपको केवल परीक्षण करना है क्या इन्होंने जो कहा है वो वाकई सही है। तो आप अपने अनुसार लिख दीजिए उसे, थोड़ा बहुत आप इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कि आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है। उसमें दिया है ये, हाँ सिलेबस में दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास के बीच मुर्गी और अंडे का संबंध है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी है। जैसे बोलते हैं ना पहले मुर्गी आई अंडा आया, अंडा आया मुर्गी आई, जबकि आप सभी को पता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना एक का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास का दोनों में आपस में गहन संबंध है। कैसे संबंध है? अगर मान लीजिए प्रशासनिक विकास हो जाएगा, प्रशासन के अंदर जो विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक विकास प्रशासन यानी कि प्रशासन में अपने आप चेंज आ जाएगा, यानी नया जो प्रशासन है एक तरह से आ जाएगा। यानी हमारी मशीनरी पहले सही होनी चाहिए, प्रशासनिक प्रशासन का पहले विकास होना चाहिए। जब प्रशासन का विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक समाज में जो चीज़ें चल रही हैं वो विकास के लिए तीव्र गति से काम करने लग जाएंगी। तो ये संबंध थोड़ा सा बताना, बहुत ही सिंपल वे में देखने की कोशिश करेंगे। ये वैसे रिग्स का जो है कथन है, ठीक है, और इसको सविस्तार स्पष्ट कर देना। जो मैं भी बता रहा था बस उन्हीं चीज़ों को एक तरह से थोड़ा बहुत आप अपने जोड़ के लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए जो मेंस में जो लिखना होता है वो एक्चुअल में सिंपल वे में लिखना होता है, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो चाहे आपका ऑप्शनल विषय का पेपर हो। यहीं बस लोग कमी कर जाते हैं जिसके कारण काफ़ी कम नंबर आते हैं, सिंपलिटी को खो देते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि यूपीएससी में जो है यूपीएससी बड़ी है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए तब जाके नंबर मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें बिल्कुल आपको सिंपल वे में लिखना पड़ता है तब जाके नंबर मिलते हैं। बात करेंगे हम डिटेल में कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटलीकरण, ई शासन जैसे ई गवर्नेंस भी बोलते हैं, आप सभी को पता है, को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। बिल्कुल करता है, चर्चा कीजिए। अब इसमें बताइए क्या चीज़ है, आप नहीं लिख सकते क्या? बिना पढ़े भी आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। डिजिटलीकरण किस प्रकार से ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है उसको प्रोत्साहित करता है, वही चीज़ आपको बता देनी है 150 शब्दों में नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन पद्धति एक तर्कसंगत विचार है, किंतु इसमें जटिल और अप्रमाणिक कार्यविधियाँ शामिल होती हैं, इसको दोष रहित किस प्रकार बनाया जा सकता है। देखिए 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन ये है कि चारों तरफ से एक तरह से आपको निष्पादित चीज़ें होनी चाहिए, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत सार्वजनिक ऋण ऐसी कराधान एवं व्ययन नीतियों को अपनाने के लिए बाध्य करता है जिसका परिणाम उच्चतर करों एवं न्यूनीकृत सेवाओं के रूप में होता है, विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट छठवा क्वेश्चन है, छठवे का पहला है उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण, जिसे हम नॉर्मली एलपीजी बोल देते हैं, लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। शॉर्ट में हम बात करेंगे एलपीजी, ये एलपीजी का फॉर्मूला होता है। तो उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण ने विकास प्रशासन की प्रकृति को रूपांतरित कर दिया है, ये कथन है, इस पर आपको चर्चा करनी है। आपको लिखना है किस प्रकार से रूपांतरित किया है, उदारीकरण ने निजीकरण ने वैश्वीकरण ने। आप सभी को पता है 1990 के बाद हमारे यहाँ पर ये सारी एलपीजी का जो फॉर्मूला अपना लिया गया था, किस प्रकार से हमने विकास किया उसी के बारे में इसमें लिख देना है। 250 शब्दों के अंदर जो है कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार में सक्षम विशेषज्ञों का पार्श्विक प्रवेश लेटरल एंट्री जिसे बोला जाता है, पार्श्विक ताजगी तथा नवाचार को बढ़ावा देगा, ठीक है। नवाचार होता है नए विचार, नवाचार नॉर्मली, किंतु यह जवाबदेही की समस्याओं को भी जन्म दे सकता है, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है कि पार्श्विक एक तरह से प्रवेश का मतलब ये है कि हमारे जो सरकार में सक्षम विशेषज्ञों को जो है लेके आना चाहिए, डायरेक्ट नहीं मतलब पिछले हिस्से से भी, यानी कि डायरेक्ट मत चुनिए आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्राइवेट एक तरह से किसी को भी ला सकते हैं और वो क्या करेंगे एक तरह से नवाचार को बढ़ावा देंगे। तो बिल्कुल जब मान लीजिए कोई मंत्रालय है तो मंत्रालय में क्या हो रहा है, एक तरह से मंत्री होते हैं तो अपने क्षेत्र में तो मान लीजिए जानकारी नहीं है उन्हें ज़्यादा, लेकिन अगर हम कोई भी ऐसा व्यक्ति उसमें ऐड कर लेंगे जो अपने क्षेत्र में पारंगत है तो वो क्या करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा। लेकिन उसकी जिम्मेदारी कितनी रहेगी, जैसे का मान लीजिए कोई मंत्री है तो वो तो काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन जो नवाचार के लिए लेके आया गया है उसकी जिम्मेदारियाँ जवाबदेही की समस्या क्या हो सकती है, तो वही बताना है, इसमें चर्चा करनी है। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल वे में, थोड़ा समझने वाली बात है और आप पढ़िएगा तो अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन बजट के बिना निष्पादन लेखा परीक्षण हो ही नहीं सकता, सो स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही कथन है, सही तो कथन है ये, इसी वजह से दिया है। तो निष्पादन बजट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड जो बजट होता है तो उसके बारे में जानकारी होगी, तो नॉर्मल सी बात है ये क्वेश्चन हो जाता है। कोशिश करेंगे देखने की इनको, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ का पहला, संयोजित प्रिज्मीय विवर्तित, ठीक है, ये पूरा जो है समाज होता है और समाजों के रिग्स मॉडल, ये रिग्स रिग्जीय लिख दिया है हम, रिग्स का ये मॉडल है, ठीक है। समाज को इन्होंने दो भागों में, तीन भागों में परिवर्तित किया है, जिसमें एक ये वाला है और जो भी हैं हम देखने की बाद में कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर फॉरवर्ड बहुत ही सिंपल वे में। उनकी प्रशासनिक प्रणालियाँ पारंपरिक चमत्कारी विधिक युक्ति संगत प्राधिकारों के मैक्स वेबर के प्ररूप विज्ञान के द्वारा प्रेरित हुई हैं। तो मैक्स वेबर की जो नौकरशाही है और जो उन्होंने प्रारूप जो दिया है, प्रारूप विज्ञान, उससे प्रेरित है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और जो आपको ये लोगों के जो नाम दिए जा रहे हैं, इनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यार ये क्या आ गया, ये बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ही सिंपल है, डेली हम कवर करेंगे ना, देखिए आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे इनके बारे में, सबके बारे में। मैक्स वेबर हुए, रिग्स हुआ, हर्बर्ट साइमन हुए, मैरी पार्कर फॉलेट हुए, इन सब के बारे में आप जान जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, थोड़ा सा करंट बेस्ड भी रहता है, तो आपको और मज़ा आएगा इससे पढ़ने में। थोड़ा सा मैं ये नहीं कहता, आप ये ले लीजिए, जो लेना चाहते हैं केवल उनके लिए है ये। सेवन्थ का दूसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देश में बहुमुखी विकास के मुख्य उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने में अधिकारी तंत्र की अंतर्निर्मित सीमाएं हैं, ठीक है, ये कथन है। उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन का विश्लेषण करना है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम यह कह सकते हैं कि कानूनी लेखा परीक्षा तथा सामाजिक लेखा परीक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो अथवा क्या वे भिन्न भिन्न मूल्यों के दो पृथक सिक्के हैं, चर्चा कीजिए। देखिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है आप इन दोनों को एक मान रहे हैं या दोनों को अलग अलग मान रहे हैं, आप जो भी मान रहे हैं उसको क्या कर देना है, आपको तर्कसंगत बनाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना होगा, वो इम्पोर्टेंट है। आप इस चक्कर में ना पढ़िएगा, जैसे कभी भी आने वाले समय में मेंस लिखेंगे तो चक्कर में ये नहीं पढ़ना है कि ये अलग हैं या नहीं हैं, पहले आप इसी पर अटक गए, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। वहाँ पर ये है जो भी आप लिख रहे हैं उसको तर्क दीजिए, वो सही है या गलत है उसे छोड़िए, आप तर्क दीजिए, चर्चा कर दीजिए, ठीक है, खुले मन से। तो चर्चा का मतलब ही यही होता है। लास्ट क्वेश्चन है, आठवें का पहला, मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न घटक परस्पर संबंध हैं, चर्चा कीजिए। तो मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक नैतिकताओं में लोक सेवकों की आचार संहिता शामिल है, किंतु यह उससे परे भी जाती है, विवेचना कीजिए। देखिए जब हम लोक सेवाओं से रिलेटेड एक अलग से टॉपिक है पब्लिक एड में, जब वो चीज़ पढ़ते हैं तो उनकी आचार संहिता, उनके कार्य और ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं, उनसे जुड़ी हुई नैतिकताएँ क्या क्या होती हैं जो हम लोगों पे लागू नहीं होती हैं लेकिन उन पर लागू होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नीति, ये अलग से एक दिया गया है पब्लिक एड के अंदर, बहुत ही अलग स्पष्ट रूप से दिया गया है लोक नीति के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन बहुत है आपके लिए, हो जाएगा कंप्लीट पूरा। लोक नीति में शामिल सभी प्रक्रमों में कार्यान्वयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। नीति कार्यान्वयन में बाधाओं का परीक्षण कीजिए। देखिए कोई भी लोक नीति होती है तो लोक नीति क्या है ये तो जब भी देखेंगे, लेकिन उसका कार्यान्वयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आप कितना भी खाली दिमागी पुलाव जो है पकाते हैं, पका लीजिए, लेकिन जब उसका कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो नीति कभी भी काम नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन उस नीति को एक तरह से लागू करने के लिए काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं, उसका इसमें परीक्षण करना है क्या क्या बाधाएँ आती हैं और उससे कैसे निकल पाएंगे हम एक प्रशासक के रूप में, क्योंकि हम एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, इसी वजह से तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है वो लाया गया है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया, इसे आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। कल भी मैंने वीडियो बताया था और एंड में जो है स्क्रीन पर शायद आ गया है या आ जाएगा, ठीक है उसी और कवर कीजिए। कल से हम जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ के अच्छे से देखेंगे। मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाता था, इस वजह से मैंने पूरा पीडीएफ ही बना लिया है, आपको कहीं भी कोई भी चीज़ छूटे ना, जिससे आपको आसानी हो। और वो जो मैं बताऊँ उसको लिखते जाइएगा, आप अपने से नोट्स बनाते जाइएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहें एग्जाम मीडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।